राम राम जी, स्वागत है आप सभी का द चर्चा 24 में। मैं हूं तारिक अली कुलदीप केके। चर्चा किस बात की है? बड़ौदा उपचुनाव की। और आप सभी ने पता है कि हरियाणा के अंदर जो बड़ौदा उपचुनाव है बहुत चर्चित हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे सब पार्टियों ने अपने अपने जो पहलवान है दंगल में उतार दिया है। देखना न्यू होगा कि ना किसकी कमर लागेगी और कौन जीत के जाओगा। तो हमारे साथ रिडाणा गाँव है जहाँ के इंदुराज नरवाल है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो वे हमारे साथ है। सरपंच साहब है, पहले जेजेपी के काफ़ी बढ़िया समर्थक रहे हैं और एकदम कांग्रेस में आए, तो पूछेंगे सरपंच साहब के कमियाँ रही जेजेपी में और के खूबियाँ है कांग्रेस में। सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत आपका, राम राम भाई साहब, आपके दर्शकों को राम राम जी। सरपंच साहब के कमियाँ रही जेजेपी में एकदम कांग्रेस में आ गए? जेजेपी का नहीं ठिकाना है, जेजेपी को एक मानो उन्होंने ये मानना कमजोर करने के लिए सरकार में रह रहे हैं, वो अच्छे नहीं है। बीजेपी है, इसका बर्ताव अच्छा नहीं है। और जैसे हम सरपंच गाँव को हमारे को भी रुपया एक देते हैं, तलाशी दो बार लेते हैं। अच्छा जी, हाँ, इसीलिए आज भी विकास का डंडोरा पीट रहे हैं। कहाँ विकास है कभी नहीं याद किया। आज भी हमारे ताऊ कृष्ण उठाए की वजह से वो गुजर गए थे, यहाँ विकास हो गया थोड़ा बहुत, नहीं तो कहाँ विकास था, कौन याद करता था। हमारे कह रहे हैं गांव, जैसे कई गांव में घूमया हूँ, लोग का मिला हूँ, लोग नू को है हमेशा विधायक जी है जो साल पीछे मर जावे है, इस कारण हमारा विकास तो हो जावे है। तो आप देखो, मरना और जीना किसी के बस की बात है, कोई मर कर राजी है ये किसी के बस की बात नहीं। वो बुजुर्ग था, बीमार चल रहा था थोड़े बहुत दिन से और गुजर गया था इस कारण, और उसका गुजरना ये कारण हमारा ये मानना हमारा विकास हुआ है। और आज ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कमजोर है, नहीं कमजोर है। जो कपूर नरवाल भाई साहब 47,500 वोट लेने वाले हमारे बड़े भाई साहब, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जो सबसे ज़्यादा वोट 25,000 वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार था हमारा ताऊ कृष्ण हुड्डा जी, उसका लड़का भी जीता, हुड्डा बड़ा भाई मारा, वो भी हमारे साथ है। दोनों उम्मीदवार जो यहाँ बड़ौदा में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले थे, वो इंदुराज की एक उस तरफ खड़ा है, एक उस तरफ खड़ा है, और उसके पीछे मैं खड़ा हूँ अगर तुम्हें कमी हो तो। और फिर ये सारा हल्का बड़ौदा खड़ा है, एक जनता की च्वाइस है इंदुराज नरवाल। कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करा, कितना ठीक मान रहा है? बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैं, एक मरे हुए आदमी को जिंदा किया हुड्डा साहब ने, और ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देकर उसका आने वाले में और भी किसी नेता का मान सम्मान हर कोई आस लगाएगा कि हम भी गरीब होने के कारण कल हमारे को भी मिल सकती है, क्योंकि पैसे वालों को मिलती थी टिकट तो हमेशा। आप एक गांव का हो, खिलाड़ी हो गांव है, हाँ जी, खिलाड़ियों के लिए कितना कुछ कर लिया बीजेपी सरकार? कुछ भी नहीं करी अभी, खिलाड़ियों का शोषण करिए, 125,000 रुपए तो हमारे प्रदीप नरवाल के रखे हैं इस गवर्नमेंट ने, बहुत सारी ऐसी इसकी तो बस ये मानो ये तो सिर्फ दबाव की राजनीति करते हैं, ऐसे ही रला लेते हैं किसी को कहीं कुछ करते हैं, या तो ऐसा ही सिस्टम होता है, ये अच्छी नहीं है सरकार। और ये योगेश्वर भी है, जैसे बबीता फोगाट भी है, सर बात ये कि राजनीतिक स्वाद ले रहे हैं, राजनीति का स्वाद ले रहे हैं। पहलवान ठीक है योगेश्वर, लेकिन रेल की गलत की टिकट ले ली बीजेपी से, आज आम जनता नाराज और इतना बड़ा जल सैलाब है यहाँ आया हुआ, जनता ये बता देगी और आप यहाँ वीडियो घुमा के देख लेना। और हर जगह इनको प्रचार करने भी नहीं देते लोग, बताओ इनका विरोध कहाँ नहीं हो रहा है। और मैं तो आज भी कहना चाहूँगा, मैंने एक दिन इसमें बहुत गाँव में जेपी मिला था, ये कृषि मंत्री 7 साल मोहन बड़ोली भी था, साथ साथ ये हमारे सांसद साहब भी थे। मैंने कहा फिर भी मंत्री जी, मैं एक ऐसा वर्कर हूँ, माँ दुष्यंत भी था, हमने लड़ा लिया, मेरा भी तो काम कर दो। सांसद साहब ने एक ही जवाब दिया कि दुष्यंत तेरा और मैं एक माँ तेरा, तू कर या ना कर वो हमने नहीं मिला। ऐसी बातें करते हैं ये भाई साहब, दबाव की राजनीति करते हैं ये। हर आदमी को ये जितने लाड प्यार हमारे लिए ट्रैक्टर आए हैं, इनके साथ भी तो आप देखो कुछ है, कुछ भी नहीं इनके पास, क्या है बस एक झूठी डोंगबाजी। आज जनता ये जो घूम रही है अपना सत्ता का स्वाद लेने के लिए, वोट पड़ेंगे इतने जानेंगे, फिर सब कठोकर मारेंगे। जेपी दलाल ना कहीं भी जनसभा हो ना, वहाँ एक बात बोलते भी बड़ौदा हल्का लो, खीर का कटोरा भरा है, खीर खा लो, खीर की थाली भरी है, खीर खा लो। जब हमारे जैसे लोगों ने 15 साल सत्ता देखी है, 15 साल विरोध करा है सरकार का, और तो ये मानना हम 5-4 महीने और 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, ये मानना है। कृषि प्रधान देश और प्रधान जो चौधरियों का एरिया है, आज एक गोभी मटर बेचने वाला आदमी तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, और जो चौधरी आदमी उसको किसी को जेल में बैठा दिया है, किसी को ड्राबा से टका रहे हैं, तेरे को फलाना रोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बात है इनकी। ये शोर प्रसार की और मीडिया के माध्यम से और पैसे से तो हमारे से कभी भी चुनाव जीत जाए, लेकिन लोगों के दिल से तो हुड्डा साहब आज भी विजय हैं,
और आगे भी रहेंगे। सरपंच साहब, आप एक जेजेपी पार्टी में थे पहले? हाँ। जेजेपी को सपोर्ट करते थे? बहुत करते थे। इंदुराज कांग्रेस को सपोर्ट करते थे? हाँ करते थे। एक व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए, व्यक्तित्व के हिसाब से आपके गांव का एक नेता है ये? हाँ। किस कैसा व्यवहार है? बहुत ही अच्छा व्यवहार है, इतना व्यवहारी आदमी नहीं है, इतना अच्छा आदमी है नहीं एरिया में। किसी भी आदमी से पूछ लेना, हर आदमी के दुख सुख में आम जनता से मिलता रहता है, इतना मिलतवारी आदमी है। ये छोटे सतर का आदमी है बिल्कुल, कभी जीप चलाई है तो कभी जमींदार आ गया है, सब इस बात से आम आदमी उसको जानता है। और उसकी शराफत का तो बस कोई मोल ही नहीं है, इतना अच्छा आदमी। लोगों का कहना है कि भाई जो राजनीति ये पैसे वालों की होती है, और आप इस चीज में कितना सही मान रहे हो? राजनीतिक पैसे वाला की नहीं होती, वोट जो घेरता आदमी वो दिल से घेरता, वो अमीर और गरीब नहीं देखता कभी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हुड्डा साहब ने जब एक भारी उम्मीदवार का नारा आम जनता देती थी, भारी है भारी है, जब भी हुड्डा साहब के आशीर्वाद से और हुड्डा के प्यार से जनता उस आदमी को बना देती थी, बुजुर्ग को, तब भी तो आज तो एक उम्मीदवार भी मारा है, हल्का भी मारा है, आज तो सब कुछ मारा है, और क्या कसर रहेगी? और अब भी कसर रहेगी तो मैं उसको कह नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो हमारा उम्मीदवार कम से कम भी ये मान लेना आज भी इलेक्शन मतलब सही देखेगा आम जनता से। एक सरकार का दबाव में तो बेशक आपका सर्वे गलत आंदा हो, या आपने दबाव में लोग कम बतांदे हो, नहीं तो हिसाब से देखेगा तो 75-25 का इलेक्शन है, 75 में हम हैं और 20 में बीजेपी, 5 में सैनी पैनी घूम रहे हैं। जी जी जी। समाज में आपने देखा कि आपके हल्के में सैनी भी घूम रहा है, राजकुमार सैनी, कहीं भी जाता है एक ऑडियो चला देता है, भाई जाटों के भिड़ाने का काम करता है एक तरीके से। आप किस तरीके का मान हो ऐसे राजनीतिक लोगों को, आप किस रूप से देखते? वो बीजेपी का छोटा होड़ है, जब बीजेपी का सांसद था, जब देश में पूरा आरक्षण चल रहा था, जब भी वो बोलता था, अगर उसने ये मोदी साहब ने अगर ये जात पात का नारा नहीं लगवाना होता तो सैनी को बोल देना एक बार इसकी सुरक्षा खोसो भाई, इसकी सब कुछ खोस लेता, उसका खोसने में क्या बिगड़ता उसका। लेकिन ये जात पात को लड़ाने वाली सरकार है, सैनी इन्हीं का एक गुर्गा है, इन्हीं से उसका काम तमाम चलता है, वो ज़्यादा नहीं है। जी, बीजेपी की बहुत सारी जनसभाएं सुनता हूँ जी, मैं बोलते हैं भी हम तो गुरुद्वारा गुड़गांव बना देंगे, गुड़गांव बनाना चाहता हूँ, मेरा तो सपना है गुड़गांव बना दूंगा। कौन से गुड़गांव की बात हो रही है, हमने तो आज तक गुड़गांव नहीं समझ में लिया। 3 तारीख के बाद वोट पर लेने, नहीं तो गुड़गांव मिलेगा, नहीं गुड़गांव बनाने वाले मिलेंगे। ये इतने वोट नहीं पड़ती, इतने जनता को झूठा बहकावा है। ये भी बोल देते हैं बीजेपी वाले 1 किले का 4 किले बना देगा, समझा, जो किले थे उन्हें किले रेट नहीं छोड़े सरकार ने, जमींदार को इसने नहीं बख्शा, हर किसी को तंग कर दिया है, बताओ किसको बख्शा इसने? एक भी वर्ग बता दो मेरे को, कर्मचारी हो, व्यापारी हो और कोई सरकारी नौकरी वाला हो, सिर्फ दबाव में आज आदमी किसी का हुड्डा साहब का बेसिक नहीं समर्थन कर रहा हो, इसी कारण नहीं तो तकरीबन ये मानना इस वर्ग से हर कोई दुखी है। आप मेरे को बताओ कोई भी वर्ग सुखी हो तो, ये तो बहुत ही एक नकम्मी सरकार है, इस सरकार का अंत आना चाहिए। और मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा मोदी साहब को, इस राजनीति से ऊपर उठकर और समाज के हिसाब की राजनीति करें, आपकी राजनीति अच्छी नहीं है। सरपंच साहब, जब भी कहीं भी इलेक्शन होता है, खासकर मैं बहुत सारी सबकी रैलियाँ सुनता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जींद में इलेक्शन था, आप बोलते थे जींद पिछड़ा हुआ इलाका है, बरोदे में इलेक्शन है तो बरोदे ने कहा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो असली बढ़िया इलाका है कौन सा? सारे पिछड़े और बताने लग रहे, पिछड़े और तो वैसे हैं, हमारा तो पिछड़ा वर्ग है, कभी भी इसका तो कोई नहीं संभाला। इसको आने के बाद हुड्डा साहब जब से आए हैं, जब से इसमें विकास हुआ नहीं, पहले कोई विकास नहीं हुआ, इसको कोई नहीं पूछता था, और यहाँ ऐसे विपक्ष का हर बार चौटाला साहब का विधायक बनता था, लेकिन जब हुड्डा साहब आए जब उसके बाद किसी का कोई नंबर नहीं है, आज तो हुड्डा साहब ही है जो कुछ। आप एक आखिरी प्रश्न है, आप सरपंच हो और आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हो, विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता कभी आपने कोई किसी की चीज़ में फंसा के सस्पेंड सस्पेंड करा दे? मेरे को सस्पेंड कहते हैं, मेरी जान भी ले रहे, मुझे डर नहीं लगता। मैं एक सच्चाई बोलने के लिए, मैं बचपन से मेरी एक आदत है, सच्चाई बोलना एक धर्म है, और मैं कभी झूठ बोलता नहीं, ये झूठी सरकार है, मैं इनके साथ इनके प्रचार में कैसे लगूंगा, नहीं लगूंगा कभी। अपने जो बड़ौदा वाले भाई बहन हैं आपके, जो कि बड़ौदा वासी, उनके लिए कुछ संदेश, कोई छोटा सा मैसेज है? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा इस भूखी और नकम्मी सरकार से, बच के रहना भाई, इतने 3 तारीख तक इनकी वोट नहीं पड़ लेती है, इतने थारे भाई हैं, फिर नहीं कोई थारा फोन भी उठा होगा। मैं तो ये संदेश, धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद जी।
तो ये थे हमारे साथ गांव रिडाना के सरपंच, और ऐसे ही हम लोगों से मिलते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी, हमारे दिमाग में भी है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो हम भूल जाते हैं पूछने के लिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो भाई ये चीज़ आपने पूछनी है, इन नेता से पूछनी है। तब तक आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।